रहमानुर्रहीम जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट अमामिया कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड साहिवाल में, जहाँ पर हम बात करेंगे इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग ज़िला लाहौर के जनरल सेक्रेटरी, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं और इकबाल टाउन जिमहाना क्रिकेट क्लब के सदर भी हैं, ओनर भी हैं और पुराने सीनियर तरीन क्रिकेटर हैं फयाज़ हैदर साहब। इनसे बात करते हैं कि अब ये 5 रोज़ा दौरे पर साहिवाल तशरीफ़ लाए, 3 मैचेस खेले, 2 विन किए, 1 में शिकस्त हुई, तो इनसे जानते हैं अगला टूर जो है वो किस शहर का है जी, बताएं। इंशाल्लाह हमारा अगला प्लान है साउथर्न पंजाब के लिए, क्योंकि हम सेंटर पंजाब से ये सारे इवेंट करवा रहे हैं। हमारी फाइनल टीम जो इंशाल्लाह अली तरीन के साथ खेलेगी साउथर्न पंजाब में जाके, उनको और हमने प्लान किया है। उसके बाद पिंडी का प्लान है हमारा शुएब अख्तर साहब के पास, और उसके बाद हमारा प्लान है फैसलाबाद का। तो हम सेंटर पंजाब के जितने भी छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट आते हैं, इनका हमारा प्लान है कि टूर करने का, और ये लाहौर की टीम इंशाल्लाह टूर करेगी पूरी और सिलेक्टेड टीम करेगी आफ्टर ट्रायल्स। तो विद द सपोर्ट ऑफ मियां औरंगज़ेब साहब, जो कि हमारे डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं, और स्पॉन्सर इंशाल्लाह हमारे लतीफ़ मिल्क होगा, जो कि अभी ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा है हमें और स्पॉन्सर भी कर रहा है। अच्छा फयाज़ साहब, आप ये बताएं कि आप इधर साहिवाल में आए, आपको शहर कैसा लगा, आपके ग्राउंड क्रिकेट के कैसे लगे, लोग यहाँ के कैसे लगे? बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह साहिवाल के। तो मेरा कुछ वास्ता पहले भी रहा है साहिवाल से, पहले भी क्रिकेट खेलने आता रहा हूँ मैं यहाँ साहिवाल में, लेकिन माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत लोग हैं यहाँ के, और हमेशा ही इन लोगों ने हमें होस्ट किया और वंडरफुल हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम साहिवाल। तो हम इंशाल्लाह आगे भी होप करेंगे कि हमें इंशाल्लाह हॉस्पिटैलिटी मिलेगी यहाँ से, और ये बेहतरीन शहर है। ग्राउंड्स बड़े अच्छे थे माशाल्लाह, इंतजाम बहुत अच्छे थे, और स्पेशली कल वाला मैच जो कि बारिश की नज़र हो रहा था, लेकिन हमें स्टेडियम में बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र ने विकेट तैयार करके और हमारा मैच करवा दिया कल का। तो बहुत बहुत शुक्रिया साहिवाल जी। ये थे फयाज़ हैदर साहब, जिन्होंने गुफ्तगू की है, तो इन्होंने कहा कि इस टूर के बाद हम मुख्तलिफ शहरों का दौरा करेंगे। अब हम आज के हमारे मौजूद मेहमान खसूसी हैं मोहम्मद इमरान गिल, साबिक उम्मीदवार भी हैं, कौमी असम्बली के वाइस चेयरमैन हैं, मरकजी कौमी बैन अलमज़ाहब आहंगी पाकिस्तान के मोहम्मद इमरान गिल, जो ज़िलाई सदर भी हैं इंसाफ स्पोर्ट्स कल्चर विंग के। इनसे आखिर में बात करते हैं कि जो यहाँ पर मेहमान टीम आई और आप भी तशरीफ़ लाए, क्रिकेटर्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिकेटर को मेरा यही पैगाम है कि जितने भी बच्चे हैं जो है अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करें, इज़्ज़त करें, उनसे सीखें, और जैसे वो इनको सिखाएं उन पे अमल करें, और इंशाल्लाह ताला कामयाबी की राह पे गमजान होंगे, और इंशाल्लाह ताला यही बच्चे जो हैं आने वाले वक्तों में अंडर 14, 16 और अंडर 19 में जाएंगे, और इंशाल्लाह ताला जो है आगे इन्हीं में से जो है कौमी टीम में खेलेंगे, और बस अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें और उनसे सीखें। शुक्रिया जी। शुक्रिया इमरान गिल साहब जी।